बिलासपुर में गुरुवार को गैर इरादतन हत्या का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले के दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले करके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार निवासी तलवार चांदपुर बिलासपुर के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों में प्रकाश व विकास निवासी सुंगल बिलासपुर शामिल है, जिसके खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिला मुख्यालय पर बस अड्डा के पास बीती देर रात को दो युवकों ने अपनी गाड़ी से एक राहगीर को टक्कर मार दी। आरोपी घायल को अपनी गाड़ी के माध्यम से अस्पताल ले जाने के बहाने बंदला की ओर ले गए और बंदला से करीब 4 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना की टीम ने छानबीन शुरू कर दी। एएसपी अमित शर्मा भी पुलिस टीम के साथ मामले की जांच में जुट गए। इस बारे में एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। व्यक्ति जो इस केस में मुख्य आरोपी है वो सुंगल नाम की जगह वहाँ उसको ट्रेस किया गया। एक साथ एक साथी था वो भी सुंगल का ही है। इन दोनों को ट्रेस किया गया, इनकी गाड़ी को भी ट्रेस किया गया और सुबह जो है गाड़ी का था एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है गाड़ी चालक उसे गिरफ्तार किया गया और दूसरा जो उसका साथी था उसे भी जो है कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मामला जो है सॉल्व कर लिया गया है। इसमें जो डिसीज्ड है और एक्यूज्ड है आइडेंटिफाइड है और जो डिसीज्ड है वो फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद, और जो अक्यूज्ड हैं वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और व्हीकल जो है वो रिकवर की जा चुकी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।